अब ये यूनुस भाई, अब हम स्पेसिफिक प्रिपेयर्स की बात कर रहे हैं तो टॉक अबाउट रिजवान. अब क्या रिजवान की बैटिंग फॉर्म एक बड़ा एक सवालिया निशान नहीं है? फखर जमान नहीं, देखें मैं स्पेसिफिकली बैटर्स की और बॉलर्स की बात करूंगा. देखें जब आप उस शेप जो माइंड का शेप होता है ना उसको नहीं वो रख पाते तो आप पे फेलियर आते हैं. ठीक है, आप देखें मोहम्मद रिजवान जो हैं वो टीम के लिए कहाँ बेनिफिशियरी हो सकते हैं. तो ये मेरे ऊपर नहीं है कि मुझे यहाँ खेलना है या यहाँ नहीं खेलना है या यहाँ खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना. अगर मैं देखें, हमें अपनी बात नहीं करनी चाहिए. अगर मैं अपनी स्किल्स की बात करूँ ना तो जो अभी जो जितने बैटर्स खेल रहे हैं मेरी स्किल इनसे कम थी. लेकिन वो जो बाजूकात होता था ना कि यार यहाँ पे खड़ा होना है, यहाँ पे टीम के लिए खड़ा होना है, यहाँ पे टीम के लिए ये करना है और इससे टीम के लिए बेनिफिशियरी है तो हम कामयाब हो जाते. ये कामरान साहब बैठे हुए कितनी दफ़ा एज ए कैप्टन मैंने उनसे कहा कि भाई ओपनर जाना है, ये चू भी नहीं करते थे. और फिर क्या रिजल्ट क्या आता था कि टीम की बेनिफिशियरी के लिए इनको जब वनडे खिलाया उस वक्त सब अगेंस्ट थे और हमने वहाँ बैठ के एक प्लान बनाया कि कामरान अकमल अगर ओपनर खेलेंगे तो ये ही इज़ अमेजिंग शॉट्स जो टेस्ट जो जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सूट करते हैं. टॉप टॉप में कट अच्छा खेलते हैं, पुल अच्छा खेलते हैं. और रिजल्ट क्या आया, पहले मैच में कुछ नहीं किया, फिर बैक टू बैक दो या तीन सेंचुरियाँ अगेंस्ट इंग्लैंड जैसी टीम जो एशेज जीत के आई थी. सही है. तो आप तो देखें जब आप ये कहोगे कि मैंने यहाँ बैटिंग करनी है यहाँ बैटिंग नहीं करनी है तो फिर आपके जो आप जो खेल है ना उससे खेल से खेलना नहीं है. सही है, ये आपने समझना है. पास में हमने भी देखा कि जब आप खेल को अपने 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 हिसाब से खेलते हो ना तो बाद का खेल भी फिर आपको अपने हिसाब से खिलाता है. तो देखिए मेक श्योर करें चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, फखर जमान हो, बाबर आजम भी हो, वो जब तक टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं खेलेंगे तो देखें हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला फिर वैसे ही आपको आपको फीट करेगा जैसे आपकी नीयत होती है. तो मेक श्योर करें कि चाहे वो मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, बाबर आजम अगर अच्छे हैं, अगर वो हमारी ओपनिंग में आप टीम को बेनिफिशियरी हो सकते हैं तो वो ओपन करें. अगर वो उनकी बेनिफिशियरी पाँच नंबर में है तो वो पाँच नंबर खेले. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबर आजम नीचे चले जाए, लेकिन जब आप आज क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, आज वो अगर वो नहीं हुआ आप कह रहे हैं तो क्या होना चाहिए था आइडियली बैटिंग ऑर्डर या व्हाटएवर? देखिए इंटेंट नहीं था. देखिए आप एक प्राइड के लिए खेलते हो, सही आप अगर पहले से हारे हुए हो और जो आगे आज हम नजर आया वो बॉडी लैंग्वेज ही नजर आया ना. देखिए आप पहला ओवर हो रहा है और नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और वहाँ पे स्लिप नहीं है और हम बार बार वहाँ दोपहर की ट्रांसमिशन में हमने बात की कि ये हम करके आ रहे क्या मैच को जल्दी से बस निकाल रहे हैं निकाल रहे तो ऐसा नहीं. और फिर हम अगर नसीम शाह की भी बॉल बात करें तो भाई उनकी बॉलिंग हमने देख ली, सही है, उनकी लाइन देख ली, उनकी लेंथ देख ली. और खास तो मैं लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर नसीम शाह की कल की बॉलिंग देखें सबसे अच्छी बॉलिंग की है, आप उनके वैगन व्हील देख लें, जब 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 दूसरे बॉलर्स को मार पड़ रही है तो उनकी लाइन किधर है, चौथी पांचवी छठी लाइन पे के बस. क्या इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी ओवर कराएं और अपने ओवर का कोटा पूरा करें? यही शादाब खान की अगर मैं कल बात करूं, जब उनकी बॉलिंग थी उस वक्त जब उन्होंने एक आउट किया तो फिर उसके बाद चार पांच ओवर इतनी जल्दी जल्दी निकालने के जल्दी से मेरा कोटा खत्म हो. तो देखिए जब आप इंटेंट देखिए इंटेंट उसके बाद टीम के लिए थोड़ी सी टीम के लिए मुश्किल होगी. आज देखिए ना आज एक मौका था ना हमारे ऑलराउंडर्स के पास पूरा मौका था, स्पिनर्स बॉल कर रहे थे, शादाब खान खेल रहे थे. शादाब खान के पिछले दिनों में देखें तो क्या पॉजिटिव है, बैटिंग में अच्छी करते हैं. आज बैटिंग करते 50 रन करते, 50 बॉलों में 50 करते, 40 बॉलों में 50 करते, 60 बॉलों में 50 करते. फहीम अशरफ को पूरा मौका मिला वो आज करते, सबने मौके वो दिखाते हैं आज, वो आज दिखाते. इफ्तिखार अहमद को आज मौका मिला, पिछले मैच में 100 करके आए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसी तरह की इनिंग खेलते 60 बॉलों में 100 कर देते, भाई 100 बॉल पे 60 कर देते, ठीक है, कोई मसला नहीं है. लेकिन फाइट तो करें, ये स्किल का गेम नहीं है. हम यहाँ पे स्किल की बात नहीं, क्योंकि अगर स्किल की बात करेंगे यही टीम होगी. अभी दो दिन के बाद इंडिया को हम हराएंगे तो हम कहाँ कहाँ बात करें. तो वही बात है कि स्किल की नहीं है, आपको अपने स्किन से बाहर आना है ये, और आपको परफॉर्मेंस करनी है. हम अगर ये जैसे नजीब ने भी शेयर किया तो भाई अगर चार दफ़ा 300 रन प्लस हमने किए हैं और एक आधा इंडिया में भी मैच है उसमें, तो उसमें तो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग थी उनकी कंडीशन में और हमने 100 क्यों किया? क्यों?
कि आज है आज एज अ सीनियर प्लेयर मुझे आगे आना है और परफॉर्म करना है. बड़े चेज के लिए जरूरी होता है कि एक बैट्समैन एंकर करे जैसे यूनुस करता था और उसके इर्द-गिर्द दूसरे बैट्समैन बैटिंग करे. प्लान भी मैं लैक करता हूं नजर आया, प्लान ही नहीं था. आज कंफ्यूज नजर आए पाकिस्तानी, वो पहले हारे बड़ा ब्लंडर देखे कि अब आपको वर्ल्ड कप तो आ रहा है, अब आप अभी तो चेंज नहीं कर सकते. टीम डायरेक्टर इज इन इंग्लैंड, ही वॉज नॉट इन कोलंबो. मिकी आर्थर कोलंबो में नहीं है, मिकी आर्थर इंग्लैंड में है. डार्बी शायर के मैच की जो चल रहा है उनका मैच काउंटी क्रिकेट का, उसकी कोचिंग कर रहा है. तो आपके पास टीम डायरेक्टर ही नहीं है, तो आपकी आधी प्लानिंग तो वहीं खत्म हो गई. लेकिन वो वहां से बैठ कर बता रहे कि बैट फर्स्ट नहीं करना, बैट सेकंड करना. देखिए एक बात मुझे समझाएं, वो पोजीशन उन्होंने ली इसलिए कि वो अकाउंटेबल ना रहे. कोच को और है वो उनके लिए काउंटी की टीम जब पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बात खत्म हो गई. हमें प्रॉब्लम थी ना इससे पहले, जो हमारे पास मैनेजमेंट थी, जो हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ था, या इनके पास प्लानिंग अच्छी नहीं होती. आज तो कौन बैठा हुआ है, आज तो दुनिया के चुन चुन के लाए गए प्लेयर लोग हैं ना. हीरे हीरे गए ठीक नहीं, चले हीरे नहीं, देखो प्रोफेशनल है ना. चलो ठीक है, अगर मैं हूँ या कामरान अकमल है, वी आर नॉट प्रोफेशनल कोच. एक सवाल भाई, आप तो प्रोफेशनल कोच है ना. सवाल पे अपने साथ अपना स्टाफ लेके. एक सवाल मैं वसीम से पूछना चाह रहा हूँ. वसीम, हमारे बैटिंग कोच का नाम क्या है? हाँ, एंड्रयू प्यूटिक. एक मैच खेले हो ना, करें इसलिए रखा इसलिए ना कि डिस्कशन में ही ना आए यार. वाकई अरे क्या मजा था नाम ही ना याद. अरे इस वक्त शेब भाई क्या मजा आता है. इस वक्त मोहम्मद यूसुफ होती है, यूनुस खान होते हैं. आपका शो आज फिर था. आज का प्रोग्राम आपका यूनुस खान और शेब जो है ना, ऐसा बंदा रखो नाम ही ना बताओ. बिल्कुल ऐसा ही था. और ऑनेस्टली मैं बात बताऊं, जब ये आया ना बैटिंग कोच, सेठी साहब को भी नाम पता नहीं था. मैं गारंटी से कह सकता हूँ जका अशरफ को भी नहीं पता. यार मैंने बैटिंग कोच का नाम मुश्किल से भी याद किया. ब्रेक लेके नाम याद रख लेता हूँ. मेरा सवाल है शायद भी इसके बाद ब्रेक लेते हैं. इंटरेस्टिंग डिस्कशन गोइंग ऑन एंड बहुत मतलब बड़ी सीरियस बातें भी हैं कि भाई ये अभी वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है कोई पता नहीं 20-25 दिन बाद. 5 अक्टूबर पहला मैच है वर्ल्ड कप का, 14 अक्टूबर आपने इंडिया से खेलना है आगे वर्ल्ड कप में. सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं. एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हम.